हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स. हमने अपने लास्ट सेशन में अपना प्रोसीजर कंप्लीट किया था. वी आर डूइंग प्लानिंग, प्लानिंग टाइप्स, मेथड्स ऑफ प्लानिंग. तो हम अपने जो स्टैंडिंग प्लान्स हैं उनका हमने स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, ये जो स्टार्टिंग के जो इसके टाइप्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे. तो अब हम हैं प्रोसीजर्स, हमने लास्ट किया था. तो एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजर करते हैं. देखिए, प्रोसीजर आपको समझ में आ गया था, व्हाट इज़ प्रोसीजर. तो एक एग्जांपल के थ्रू और हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि प्रोसीजर क्या होता है. प्रोसीजर जो है हमारा, जब हमें फॉर एग्जांपल हम जैसे रॉ मटेरियल हमको ख़रीदना है, हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल के लिए परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, जो क्वांटिटी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, टाइप क्या है, क्वालिटी कैसी चाहिए, मटेरियल क्या रिक्वायर्ड करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्रिएट करता है पहले. फिर परचेज डिपार्टमेंट के पास ये जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो जाती है. फिर परचेज डिपार्टमेंट उसको सेंड करता है सप्लायर्स को. फिर कोटेशन कलेक्ट करता है. फिर वो इंस्पेक्टिंग डिपार्टमेंट है उस पर जो हमने जो ख़रीदा है, जो परचेज़ किया हमने रॉ मटेरियल, वो जाता है इंस्पेक्टिंग डिपार्टमेंट के पास. फिर जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो कंपेयर करता है गुड्स रिसीव्ड विद ऑर्डर प्लेस्ड, जो गुड रिसीव करें हमने प्लस ऑर्डर प्लेस तक जाता है. ये एग्जांपल कर रहे हैं प्रोसीजर का, कि एक प्रोसीजर है जो हमेशा सेम ही चलेगा. और जब हम ख़रीद लेते हैं, जब आफ्टर रिसीविंग द सेटिस्फैक्ट्री जो हमारी रिपोर्ट है फ्रॉम रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्टिंग डिपार्टमेंट, तो परचेज डिपार्टमेंट क्या है, फॉरवर्ड कर देता है बिल को टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है. अल्टीमेटली जो बिल है उसको फॉरवर्ड करता है टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, और उसके अगेंस्ट पेमेंट फिर पेमेंट किया जाता है. पेमेंट इज़ मेड. तो ये एक प्रोसीजर हुआ जो हमेशा सेम तरीके से ही फॉलो होता है. तो ये हमने प्रोसीजर पढ़ा था कि कुछ इसमें कुछ हमारे कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं जो हमेशा सेम तरीके से ही चलते हैं, ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है. तो अब हम एडवांटेजेस करते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजर. एडवांटेजेस है प्रोसीजर के, पहला है बेसिस ऑफ कंट्रोल, ठीक है. कंट्रोल का बेसिस हुआ प्रोसीजर जो है, एक डिटेल सीक्वेंस देता है टू बी फॉलोड, कैसे हमें फॉलोड करना है. जैसे हमने सीक्वेंस अभी एग्जांपल में पढ़ा है, फॉर कंप्लीटिंग अ टास्क, फॉर द कंप्लीशन ऑफ अ टास्क, इट कैन बी सीन वेदर द वर्क इज प्रोसीडिंग अकॉर्डिंगली टू द जो हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं है. नहीं हो रही है. प्रोसीजर्स आर यूज्ड एज अ कंट्रोल मैकेनिज्म. कंट्रोल मैकेनिज्म की तरह भी यूज़ होते हैं प्रोसीजर्स, बिकॉज एनी जो एक किसी भी तरह का मतलब वर्क है वो एक बार जिस तरह से होता है उसी तरह से उसको फॉलो करना होता है. जो लॉन्ग टर्म, जो हमारे लॉन्ग टर्म जो बेसिस है, जो वर्क है, जो एक तरह से होना है, ठीक है, जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसको सेम तरीके से फॉलो करना होता है जैसे कि वो एक बार फॉलो हुआ है, ठीक है. विच कम्स अंडर प्रोसीजर, जो काम है जो प्रोसीजर्स के अंदर आते हैं, जो हमने उसका मीनिंग के अकॉर्डिंग जो पढ़ा था. कंसिस्टेंसी, मतलब प्रोसीजर हेल्प करता है टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी बनाने में परफॉर्मेंस की, ठीक है. हर चीज़ जब एक तरीके से होगी, वंस द प्रोसीजर्स आर एस्टेब्लिश बना दिए जाते हैं, दे कैन बी सिमिलरली यूज अगेन एंड अगेन, एक तरह से यूज हो सकते हैं सिमिलरली अगेन एंड अगेन. नेक्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन. इसका नेक्स्ट एडवांटेज है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर रिड्यूसेस द नीड फॉर डिसीजन मेकिंग इन सिमिलर सिचुएशन. अगर सिमिलर सिचुएशन है, अगर हमें रॉ मटेरियल बार बार खरीदना है तो हमें बार बार उसके लिए प्रोसीजर नहीं बनाना पड़ेगा, वो प्रोसीजर सेम तरीके से फॉलो हो सकता है अगेन एंड अगेन, ठीक है, इन सिमिलर सिचुएशन. अगर रॉ मटेरियल हमें परचेज करना है फॉर प्रोडक्शन, किसी भी पर्पज़ के लिए हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो वही सेम प्रोसीजर से होके गुजरेगा जैसे हमने भी डिस्कस किया था. Wherever a task is to be performed, the same procedure will be followed for doing it. This increases efficiency in doing a work. Efficiency कैसे increase करता है, कि जिससे wastage of time कम होगा. अगर हम again and again procedures create करेंगे नए नए in similar situation, same situation के लिए, तो वो क्या होगा, wastage of time होगा. जब situation हमारी similar है तो एक तरीके से same जो हमारे procedures हैं वो follow किए जा सकते हैं. Next is कोऑर्डिनेशन. प्रोसीजर क्या एस्टेब्लिश करता है, सीक्वेंस टू बी फॉलोड फॉर ईच वर्क. एक सीक्वेंस फॉलो जो करना है हमें फॉर ईच वर्क, ठीक है, फॉर सिमिलर टाइप्स ऑफ वर्क, अलग अलग जो प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, ठीक है. दिस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. वो हेल्प करता है कोऑर्डिनेट करने में एक्टिविटीज़ को ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट और सेक्शंस, बिकॉज सेम प्रोसीजर्स विल बी फॉलोड बाय ऑल ऑफ देम, ठीक है. सेम एंड सेम प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं बाय ऑल ऑफ देम.
अब लिमिटेशंस की अगर हम बात करें प्रोसीजर की, तो ऑब्वियसली जब सेम सिमिलर सिचुएशंस में सेम प्रोसीजर चल रहा है तो रिजिडिटी होगी, ठीक है। रिजिडिटी इज फॉलोड इन फॉलोइंग, जो प्रोसीजर्स को हम फॉलो करते हैं उसमें रिजिडिटी कहीं ना कहीं आ जाती है। दे आर कॉन्टीन्यूसली यूज ओवर एंड ओवर अगेन, दिस डिस्करेजेज इनिशिएटिव्स एंड डिस्कवरीज। जो किसको डिस्करेज करता है, इनिशिएटिव, नए नए अगर हम प्रोसीजर हम बात करें तो एक ही प्रोसीजर सालों सालों सेम चीज़ को करने के लिए फॉलो होता रहता है, तो वो इनिशिएटिव और डिस्कवरीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक लैक रहता है उस चीज़ का। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट रिव्यू। रिव्यू जो है हमारे कॉन्स्टेंट आएंगे। द सेम प्रोसीजर कैन नॉट बी फॉलोड फॉर लॉन्ग टर्म्स। द चेंजिंग सिचुएशन नेसेसिटेट, जो एक रिव्यू ऑफ प्रोसीजर्स है, जब कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, जब सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो सेम प्रोसीजर को भी हम बहुत लॉन्ग एक टाइम तक फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं कर सकते। कॉन्स्टेंट रिव्यू जो है उसकी कहीं ना कहीं ये चीज़ इसमें लिमिटेशंस में दिखाई गई है। टू कीप देम इफेक्टिव दे शुड बी कॉन्स्टेंटली अपडेटेड, उनको अपडेटेड करना चाहिए। जैसे कि चेंजेस आते रहते हैं हर चीज़ में, तो जो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें भी एक कॉन्स्टेंट अपडेशन होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं रह जाता है, ठीक है। दे शुड बी सुटेबली एडजस्टेड टू सूट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, जो सिचुएशन है अकॉर्डिंगली फिर वो उसमें जैसे कि सूट करे, मतलब इस तरह के चेंजेस होते रहने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा रूल्स। व्हाट आर रूल्स? नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा रूल। रूल क्या होता है? इज अ प्लान, प्लान होता है दैट लेड डाउन अ रिक्वायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन विथ रिगार्ड टू अ सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो एक जो प्लान है ये भी जो लिया जाता है। रूल इज इन द नेचर ऑफ द डिसीजंस मेड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जिसको बनाती है रिगार्डिंग व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। क्या करा जाना है और क्या नहीं करा जाना रिगार्डिंग दैट, जो सिचुएशंस मतलब जो प्लान्स जो बनाए जाते हैं मैनेजमेंट को क्या करना है और क्या नहीं करना इन अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज रूल। तो रूल क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं, रिजिड होते हैं, हर किसी को पता है रिजिड होते हैं, जो एक डेफिनेट होते हैं एंड अलाउज नो डेविएशंस, किसी भी तरह की डिस्क्रिशन या डेविएशंस बाय द सबॉर्डिनेट्स टू द सबॉर्डिनेट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं होते अगर हम रूल्स की बात करें तो। तो प्रोसीजर्स की तरह लाइक प्रोसीजर्स, रूल्स डू नॉट प्रिस्क्राइब अ क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। रूल किसी भी जैसे प्रोसीजर्स, जैसे हमारा प्रोसीजर हमने पार्ट पढ़ा था उसमें क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस होता है स्टेप्स, हायरार्की मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक पार्ट्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। लेकिन रूल्स में ऐसा कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का जो कि लिए जाने हैं इन अ गिवन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ रूल मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। रूल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता पार्ट ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। अ रूल सच एज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री, ये आपका रूल है, नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर का पार्ट नहीं है, ये बनाता नहीं है प्रोसीजर का पार्ट। ऑन द अदर हैंड अ रूल टू मेक पेमेंट विद इन 21 डेज, ये आपका रूल हुआ ना कि पेमेंट शुड बी मेड इन 21 डेज विल बी द पार्ट ऑफ अ प्रोसीजर, ये पार्ट हो सकता है प्रोसीजर का, ठीक है। तो क्या हुआ, रूल पार्ट नहीं, विल नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, ठीक है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो रूल है आपका पेमेंट, जैसे हम 21 डेज में करें, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, विल बी द पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, रूल जो है पार्ट होगा प्रोसीजर का। नेक्स्ट आता है हमारा रूल प्रिस्क्राइब द लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिस्क्राइब करता है कुछ लिमिट्स, एक्सेप्टेबल जो बिहेवियर है मेंबर्स का ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रूल्स विल एनेबल मैनेजर्स टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ देयर सबॉर्डिनेट्स। प्रेडिक्ट करता है बिहेवियर अपने सबॉर्डिनेट्स का, हाउ विल दे एक्ट इन अ गिवन सिचुएशन, कैसे वो एक्ट करेंगे इन अ गिवन सिचुएशन। फाइन, अब ये हमारा कंप्लीट हुआ है, आपका जो स्टैंडिंग हमारे प्लान्स थे वो हमारे कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट हमारे जो है सिंगल यूज प्लान, जो कि प्रोग्राम है और बजट है, दो इसमें कंसिस्ट करते हैं प्रोग्राम एंड बजट, वो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।